And for Impact Paramedical and Health Institute, my course is BOTD and my roll number is 1120. So, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंक्यूबेशन ट्रॉली के बारे में कि इंक्यूबेशन ट्रॉली में क्या क्या चीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना एम्बू बैग से। एम्बू बैग जो कि एक प्री ऑक्सीजनेटेड आर्टिफिशियल ब्रीथ ऑक्सीजन देने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जो कि ईटी ट्यूब की ट्रॉली में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देन उसके बाद में दूसरा मेन इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में ईटी ट्यूब इंसर्ट करने के लिए, लैरिंगोस्कोप ब्लेड्स एंड लैरिंगोस्कोप हैंडल्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के हमें ईटी ट्यूब की ट्रॉली पे हमें अवेलेबल करवाने पड़ते हैं। देन उसके बाद में हमारी सेकंड नंबर पे आती है हमारी ईटी ट्यूब्स। ईटी ट्यूब्स मेनली एडल्ट्स में 7 mm एंड 8 mm की यूज होती है, तो हमें दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट साइज की रखनी पड़ती है। देन उसके बाद में हमारे पास है लिग्नोकेन जेल। लिग्नोकेन जेल जो कि लुब्रिकेट करता है हमारी ईटी ट्यूब को अंदर जाने के लिए ट्रैकिया के रास्ते में। एंड उस लास्ट में है हमारा ये टेंडर बर्ड टेप्स, जो कि स्टेबल करती है ईटी ट्यूब को आफ्टर प्रोसीजर के बाद में। एंड उसके बाद में हम स्टेटोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए कि हमारे बोथ लंग्स में ठीक तरीके से ऑक्सीजन जा रही है या नहीं जा रही है। देन उसके बाद में हमारे पास आता है सिरिंज। सिरिंज हमारा इन्फ्लेट करता है ईटी ट्यूब के बलून को, जो कि एक मेन रोल निभाती है इंट्यूबेशन करवाने के लिए। हमारे पास है इस ट्रॉली में किडनी ट्रे एक मेन रोल है इसका, कि अगर ड्यूरिंग इंट्यूबेशन में हमारे पेशेंट एस्पिरेशन कर जाता है तो उस टाइम पे हम अपनी किडनी ट्रे का इस्तेमाल करते हैं। और डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में हम इस्तेमाल करते हैं अपनी गुजी का, गुजी जो कि हेल्प करती है डिफिकल्ट इंट्यूबेशन को करने में, जो कि एक इस तरीके की दिखने वाली होती है।